2000 के पहले की कोई बात नहीं करता हूँ। दिनांक 3 सितंबर 2020 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के वार्ताकार माननीय नवनीत सहगल साहब से हम लोग की बातें हुई थी। उस बातों में जो 4-5 बिंदु निकल के आए थे उनमें मुख्यतया ये था कि हम लोग को जुलाई तक फ्लैट रेट पासबुक के माध्यम से पैसा जमा करने की व्यवस्था करी जाएगी। बुनकरों के ऊपर जो आरसी है, तहसील में आरसी जारी की गई है, वो आरसी वापस ली जाएगी। जो एफआईआर हुए हैं वो एफआईआर वापस किए जाएंगे। जो कनेक्शन कटे हैं वो कनेक्शन कटे जोड़े जाएंगे। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात थी वो थी कि आगे आने वाली जो व्यवस्था है, एक अगस्त 2020 के बाद से उन्होंने कहा था कि हम बुनकर प्रतिनिधियों को बुला करके उनके साथ वार्ता करके एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था लागू करेंगे। दिक्कत सिर्फ ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 31 जुलाई तक का तो पेमेंट जमा करने को कह दिया, लेकिन बहुत सारी शंकाएं हैं जिनका समाधान उस आदेश में नहीं हुआ है। और सबसे प्रमुख बात जो हमारी थी कि आगे हमें कैसे बिजली का बिल जमा करना है, उन्होंने वही आदेश जारी किया जो 1 जनवरी 2020 से लागू होना था। तो हम जो है पहले जहां थे 1 जनवरी 2020 को जहां हमारा स्टैंड था, आज भी हम वही खड़े हैं। कहने का सिर्फ तात्पर्य यह है कि हमारी कोई भी बात नहीं मानी गई, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और यहां तक कि इस देश का नेता झूठ बोले तो चलता है, लेकिन एक आईएएस अधिकारी उसकी गलत बयानी होगी तो हम कैसे आगे काम कर पाएंगे। सिर्फ कहना यह है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। 3 सितंबर 2020 को जो नवनीत सहगल जी ने वायदा किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उससे इतर हमें कुछ नहीं चाहिए। हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन हाँ, वो अपना वायदा पूरा करें। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को जरूर